इमरान खान साहब का जो रवैया था या परवेज खटक के बारे में जो रद्द अमल था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया या छोड़ा मुश्किल वक्त में, उनके बारे में इमरान खान साहब की ज़हनी कैफियत क्या है। और अभी जेल के अंदर एक साल से मुश्किल तरीन हालात में बंद होने के बावजूद ये दूसरी गर्मियां हैं जिन्हें इमरान खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, और अडयाला में सर्दियों में भी उन्होंने टाइम गुजारा है। तो ये इमरान खान इतनी सख्त जेल के बावजूद अपने मौक़िफ़ पे ऐसे खड़ा है, तो इसका मतलब है कि जो लोग इमरान खान को मुश्किल वक्त में छोड़ गए उनके लिए वापस आना उतना आसान नहीं होगा। आज ये परवेज खटक वाले एपिसोड से हमें इस बात का पता चलता है। एक और चीज़ है जी, सनम जावेद साहिबा के हवाले से मियां अली इशफाक साहब ने जो सनम जावेद के हवाले से ट्वीट किया, और उन्हें वो केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा जी लाहौर हाईकोर्ट के दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस असजद घुराल साहब और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब, इनके बेंच से सनम जावेद खान को 9 मई से मुंसलिक मुकदमे में डिस्चार्ज करवा लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी गुजरांवाला के जज के ऑर्डर के खिलाफ ये निगरानी दरख्वास्त दायर कर रखी थी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगी और इसका फ़ायदा जालसाजी पर कायम किए गए मुकदमात और बार बार बिला जवाब जाली गिरफ्तारी के तमाम मुतासरीन को होगा, जिनकी तादाद सैकड़ों में है। पुलिस की तरफ से सनम जावेद खान के खिलाफ किसी मजीद मुकदमे के मौजूद होने के बयान को भी, यानी कोई और मुकदमा मौजूद नहीं है, इस बयान को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। अब यह सिलसिला बंद होना होगा, खवातीन के साथ ऐसे जुल्म को बंद किया जाए। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी के सरकार को बार बार मौका दिया कि कोई मवाद सामने रखे जिस बुनियाद पर गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया जाए, लेकिन मुकम्मल नाकामी रही। ये जी मियां अली इशफाक साहब ने कहा। उसके बाद जब लोगों ने उनसे सवालात पूछे कि जनाब बताइए कि क्या आज सनम जावेद को रिहा कर दिया जाएगा, तो उसके बारे में कोई बहुत क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन शाकिर महमूद साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद सनम जावेद को रिहा ना करवाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। और कानूनी नुक्ता नज़र से तो ये खवातीन जो हैं इनको एक दिन क्या एक मिनट भी अंदर रखना नहीं बनता, ये सिर्फ ज़िद्द और अना है और सिर्फ उनके बोलने की सज़ा है, ये सज़ा है उनके शऊर की, उनके सवाल उठाने की, ये सज़ा है खवातीन के, मिडिल क्लास की खवातीन के सियासत के अंदर आकर जो अलीट क्लास है या जो बहुत ताकतवर लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उस पर उंगली उठाने या सवाल उठाने की सज़ा है और कुछ नहीं है। तो नाज़रीन एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सनम जावेद उन टॉप खवातीन में शामिल होंगी जिन्हें मखसूस नशस्तें दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे बताया अगर तो मखसूस नशस्तों का केस PMLN हार जाती है, यानी कादी फायद ईसा साहब के बकौल या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये फैसला नहीं आता और बाकी जजेस जो हैं वो उसमें लीड ले जाते हैं या उनकी तादाद बढ़ जाती है, तो फिर सनम जावेद को जेल से जब लाया जाएगा असम्बली में तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लिहाजा इस मामले को हुकूमत को मजीद नहीं खींचना चाहिए और रियासत को चाहिए कि इन खवातीन को इनकी आज़ादी का हक वापस दे दिया जाए। एक और स्टेटमेंट है नाज़रीन, और ये स्टेटमेंट जो है ये जनरल आसिम मुनीर साहब का है और एक साल पहले का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा खप पड़ी हुई है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था एक साल पहले 10 जुलाई 2023 को, पीर का दिन था और वसीम अब्बासी साहब ने इसको रिपोर्ट किया था उस वक्त, वो एक ये सामने स्क्रीनशॉट हमारे आ जाता है। इसमें जनरल साहब ने फरमाया था कि एक साल में मईशत ठीक हो जाएगी, मायूसी की बातें प्रोपागेंडा हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ये स्टेटमेंट था। अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान तरीके इंसाब के लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अब एक साल हो गया मईशत ठीक क्यों नहीं हुई, तो हकीकत तो ये है कि मईशत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस एक साल में आम आदमी की मईशत तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, और ये एक साल की कहानी नहीं है, ये कहानी बड़ी लंबी है, ये कई दहाइयों से ये हो रहा है, लेकिन पिछले 2.25 साल में जैसे पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हुई है उससे ज़्यादा कभी नहीं हुई। लेकिन मुझे तो मातम करता हूँ मैं उनके दिमागों के ऊपर जिन्होंने इस स्टेटमेंट से उम्मीद लगा ली थी कि एक साल के अंदर मईशत ठीक हो जाएगी। भाई वो आर्मी चीफ हैं, उनका दिफा का काम है, मईशत से उनका ताल्लुक नहीं है, मईशत दानों के ठीक करने का काम होता है, उसके लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए, उसके लिए आपको मुल्क के अंदर एक एतमाद की फ़ज़ा चाहिए, उसमें आपको मुल्क के अंदर बेहतरीन अमनो अमान चाहिए, उसमें आपको मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी कि सरमायाकार पाकिस्तान में आए। तो हम क्या उस रस्ते पर चल रहे हैं? उस रस्ते पर तो हम नहीं चल रहे। उसके अंदर एक चीज़ जो है वो दिफाई इदारों के ज़िम्मे आती है, वो ये है कि मुल्क का दिफा मजबूत हो और मुल्क के अंदर अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हो। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक दिफा के साथ नहीं है। तो अब मेरा ये सवाल है कि क्या जनरल बाजवा को ज़िम्मेदार करार दे देंगे सारी मईशत की खराबी का?
या आप ये कहेंगे कि वो ठीक कर सकते हैं, तो वो नहीं ठीक कर सकते भाई, उनका काम नहीं है ठीक करना। ये ठीक करना आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। अगर आवाम के मुंतखब नुमाइंदे खुद अपनी सीटों पर आकर बैठे हों और बैठने के बाद वो जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी पूरी करें और अपनी मईशत ठीक करने की बजाय पाकिस्तान की मईशत के ऊपर तवज्जो दें। बहरहाल ये एक स्टेटमेंट था और इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट इससे पहले भी हमने देखे, लेकिन इन बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। जो काम करना जानता है, जिसने ज़िंदगी इस काम में लगाई है, वही इसको ठीक कर सकता है अगर वो खुलूस नीयत के साथ काम करे। लेकिन उसके लिए जमहूरी मुल्कों में और जमहूरी मुआशरों में अवामी मैंडेट का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जो इसका फार्मूला है ना, जो मुझे समझ आता है, मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी हुई है और बहुत लंबे अरसे से इन चीज़ों को रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, तो जो मुझे समझ आती है उसमें नंबर एक तो ये है कि अवाम का एतमाद होना चाहिए, सरमायाकारों का एतमाद होना चाहिए। आज पाकिस्तान में 94% पाकिस्तानी, एक सर्वे आया है, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। आप किसी मुल्क में सर्वे करवा लें, इतने लोग तो अफगानिस्तान से छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते थे जब जंग लगी हुई थी। इराक में चले जाएं, शाम में चले जाएं, फलस्तीन में जाके पूछ लें कि क्या फलस्तीनी इतनी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, वहां जंग लगी हुई है खौफनाक किस्म की। तो ये एक मायूसी है, ये लोग जो हैं वो मुतनफर हो रहे हैं, वो इसलिए है कि लोगों को लगता है कि वोट हमने कहीं और डाला, निकल कहीं और आया। और जब आप 94% कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि खाली, यानी एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, मैंने खुद नहीं किया है सर्वे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें फिर खाली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 95 या 94% लोग तो नहीं है ना। PMLNB यहां पे है, फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें हैं। इसका मतलब है सारी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो मायूस है, सवाए अशराफिया के, या वो लोग जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं जिनकी मौजें और कमेटियां लगी हुई हैं, उनके अलावा सारे मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये जब तक एतमाद वापस नहीं आएगा पाकिस्तान में, तब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, मईशत ठीक नहीं होगी। चाहे 10 साल तक इसी तरह का रगड़ा लगा लें, 1 साल में नहीं होगी, 10 साल में भी नहीं होगी। करना ये होगा, फार्मूला वही है इमरान खान साहब ने दिया, जो पहली खबर में मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अवाम का मैंडेट, अवाम के एतमाद की वापसी, और उसके बाद सियासी इस्तेहकाम, फिर माशी इस्तेहकाम। लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल फैसले। अब ये नहीं हो सकता कि दूध और शहद की नहरें बहें। इमरान खान साहब ने, उनके बकौल, बड़ी मुश्किल से 3.5 साल में चीज़ों को संभाला था, कंट्रोल किया था। ये 2.25 साल में हम बहुत पीछे चले गए, बेड़ा गर्क हो गया। दादोशुमार आपके सामने रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। सी पैक के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये 200 यूनिट वालों को जो लॉलीपॉप शहबाज शरीफ ने दिया, उसके फैक्ट हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और किस तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इकोनॉमी भी हम बात कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक के एतमाद वापस नहीं आएगा, तब तक मईशत बहाल नहीं होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।